नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। आखिर क्या है रिया के ड्रग्स कंपनी का सच? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सुशांत की मौत के मामले में ईडी सीबीआई के बाद नार्कोटिक्स की एंट्री करा दी है और जब गड़िया जुड़नी शुरू हुई तो एक के बाद एक चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। अब सुशांत केस में रिया और उसके भाई के रिश्ते ड्रग्स पैडरों से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। दरअसल सुशांत मामले पे जांच कर रही एजेंसी के हाथ एक ऐसा एंगल लगा है जिसके बाद बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स के पसीने छूट गए हैं। उन्हें डर है कि कहीं वो लपेटे में ना आ जाए। दरअसल ईडी के हाथ लगे ड्रग्स एंगल के बाद मामले में एनसीबी यानी कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक एफआईआर दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू की तो उसके हाथ कई बड़े सबूत लगने लगे। अब एनसीबी एक्टिव हो गया है और उसने इस केस से जुड़े तीन लोगों को मुंबई में गिरफ्तार किया है। इसमें से दो को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था जबकि मंगलवार को एक की गिरफ्तारी की गई। इन तीनों ड्रग पैडलरों से एनसीबी ने पूछताछ की जिसके दौरान ये पता चला कि इनका रिया और उसके भाई शौविक से सीधा कनेक्शन था। रिया ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में ये कबूला था कि उसने कभी ड्रग्स नहीं लिया और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत ही ड्रग्स लेते थे। लेकिन रिया के इस इंटरव्यू को इन ड्रग पैडलरों ने अब बेनकाब कर दिया है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीबी से जुड़े लोगों का कहना है कि टीम ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है उसका रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती से सीधा संबंध है। हालांकि एनसीबी कोई भी बड़ा एक्शन लेने से पहले पुख्ता सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि रिया की गिरफ्तारी के बाद रिया और शौविक को जमानत ना मिल सके। लिहाजा अभी इन गिरफ्तार पैडलरों से और ज्यादा पूछताछ जो है वो जारी है। खबर है कि इन ड्रग पैडलर्स ने बॉलीवुड के बड़े बड़े नामों का भी खुलासा किया है जो इनसे ड्रग लेते थे। एनसीबी इन बड़े नामों का जल्द ही खुलासा कर सकती है और सभी को समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रग पैडलर्स ने बताया कि बांद्रा, जुहू और लोखंडवाला इलाके में होने वाली बॉलीवुड पार्टीज में बड़े पैमाने पर ड्रग्स लिए जाते थे। इसका खुलासा खुद बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने भी किया था कि किस तरीके से बॉलीवुड में बड़े पैमाने पर ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। आपको बता दें कि सुशांत की केस की जांच कर रही ईडी को रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट का भी पता चला था कि वो ड्रग्स का इस्तेमाल और डीलिंग करती थी। ईडी ने रिया के फोन पर ट्रोन करके डिलीट किए गए व्हाट्सएप मैसेज रिट्रेन किए जिसमें रिया चक्रवर्ती और गौरव आर्या की चैट मिली थी। रिया और गौरव आर्या की ड्रग चैट से एक और शख्स का भी अब नाम सामने आया है। ये शख्स रेस्टोरेंट व्यवसाय उड़ान जानी है। ईडी ने सोमवार को उड़ान जानी से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। उड़ान जानी भी उस व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य था जिसमें रिया चक्रवर्ती शामिल थी। ये दोनों हशीश और डूबीज ड्रग की बात कर रहे थे। ईडी ने रिया के व्हाट्सएप चैट की डिटेल्स न केवल सुशांत की केस की जांच करी सीबीआई को सौंपी बल्कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी अब सौंपी है जिसके बाद एनसीबी एक्टिव हो गया है। इस चैट ने इस केस का रुख ही पूरी तरीके से बदल दिया है और पूरे बॉलीवुड में इससे हड़कंप मचा हुआ है। सीबीआई, ईडी और नार्कोटिक्स ब्यूरो सुशांत के मौत के रहस्य की पहेली को सुलझाने में लगी हुई है और इस रहस्य के तार ड्रग्स की जांच से जुड़े हुए हैं। इस खबर में बस इतना ही। आप अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।